तो अब तक आपने देखा कि स्नेहा एल्विश को लाइक करती है, पर दोस्ती टूट जाने के डर से आज तक बता नहीं पाई। पर अब समीर के साथ मिलकर एल्विश को सेट करने का प्लान करती है। और वहीं दूसरी तरफ एल्विश ट्यूशन टीचर की बेटी शालू को पसंद करने लगता है। स्नेहा एल्विश को शालू के साथ देख लेती है और चली जाती है। अब आगे चोरी, इन बर्तनन की जिम्मेदारी मैंने तो दी ना, नू बताए चार चम्मच कैसे चोरी होगी? फूल सिंह के ब्याह में था ना इतनी बड़ी बड़ी प्लेट, मैं चोरी करके लेके आया हूं, तने वे भी चोरी करवा दी। चोरी, तने नया घर को नाश कर दियो नाश, अब तो मौत तेरा ब्याह करना पड़ेगा। क्या पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? ओ, अब तो मेरी बात कैसी लग रही है? इन आंखन ने ना चम्मच तो निकाल लूंगा, निकल दे यहां से। पता ना मैंने भी कैसी कैसी औलाद जन्म दी, ऊपर ते गधा, 5 बजे ते आ जा। ओए बैठा, आ रहा हूं मैं। अगली बार सीधा होटल पे लेके जाऊंगा, ओयो लेके जाऊंगा। जल्दी कैसे आ गया भाई? मेरी मम्मी ने भेजा मुझे, ठीक है, पढ़ने लिखने वाले बालक है, तुम इतना आवारा ना हूं मैं। भाई आराम से बैठ लेने, ना आगे देख के पढ़ाई करो, पीछे देखने की जरूरत नहीं है मेरे से ना। भाई स्नेहा नहीं आई क्या आज? अबे तू, ए तू मेरी बात सुन। अरे तू मेरी बात सुन, तेरा भाई गया था आज डेट पे, पूछ किसके साथ? मेरे को पूछना ही नहीं। अरे पूछना किसके साथ? किसके साथ? मास्टर की बेटी के साथ। भाई उसका नाम शालू है यार, तेरे नाम भी ना पता था ना उसका। तेरे भाई ने उसके अंदर की सारी चीज पता कर ली, क्या लड़की है यार। तेरे भाई ने उसके साथ स्कूटी पे घूम घूम के आइसक्रीम खाई, छोले कुलचे खाए। भाई अपनी लाइफ के बेस्ट छोले कुलचे खाए मैंने उसके साथ यार। स्कूटी पे चले गए फिर हम गुड़गांव, गुड़गांव पार करके मानेसर, मानेसर पार कर लिया रिवाड़ी। भाई मुझे तो अभी उसकी याद आ रही है। ओ डैम, मानेसर पार कर लिया तो टोल भी कटवा लेता। सर जी कार्ड दोनों कितने की पर्ची है? पैसा बहुत है। चुप, यहाँ पढ़ने आओ, ये कहानी सुनाने आओ। और स्नेहा क्यों नहीं? अब सर वो उसकी ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो वो आज आ नहीं पाई। अरे तबीयत कैसे खराब होगी, ज्यादा आइसक्रीम चूस ली क्या? उस हिसाब से तो तेरी मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब होनी चाहिए। मतलब इसकी मम्मी तो ठीक है, मैं कल ही मिल के आया था। सर आप क्यों गए थे मेरी मम्मी से मिलने? हैं ओ मुंह पे शक कर रहे हो, मैं तो अपनी फीस लेने गया हूं, थोड़ी सी दे भी आया हूं। अरे ए अपनी किताबन पे ध्यान दो, मजा ले रहे हो। मास्टर ने इसकी मम्मी की बुरी कर दी। हाँ तो बच्चों, बेशक तो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पर ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि उत्तर ही नहीं दे सकते। अरे पूछ ना मास्टर है, बड़ा बदतमीज है। मतलब पूछो ना। हाँ, बंबई की सबसे फेमस चीज बताओ। मास्टर वो अपना डिवाइन की मम्मी। चल बॉम्बे मेरी माँ से मिलाता। बट ओ दूसरे की मम्मी पे इतना ध्यान दे रहे हो जैसे मैं तुम्हारी पे दूँ। मास्टर तूने पहले ही 2-3 बार कह चुका मेरी मम्मी के बारे में, ठीक है थोड़ा मत बोलियो। अब तीसरी बार तुम्हारा आगे कहूंगा जभी तो। सुन रही है मेरे को सारी? सुन गई तो अपने किताब उठा कर पढ़ ले। सुनगी सुनगी पीछे लगे रहे। हाँ तो भाई, भाई एक यो मास्टर, एक यो और एक इसकी मम्मी, तीनों साढ़े किसी भी ताड़े के नहीं है, तीनों कति खिलाड़ी हैं। वैसे इसकी मम्मी तो मिलना पड़ेगा। एल्विश भाई तुझे पता है लाइफ की सबसे खराब फीलिंग कौन सी होती है? भाई बिल्कुल पता है यार, जब मुत्ते और चेन में फंस जावे ना, तेरी कसम बहुत दर्द हुआ है भाई। एक बार तेरे भाई का फंस गया था यार, चीज मच गई चीज। अबे वो नहीं भाई, लाइफ की सबसे खराब फीलिंग वो होती है जब तुम किसी को प्यार करते हो और उसको किसी और के साथ देख लो। भाई बहुत दुख होता है यार। भाई तेरे अपनी मम्मी देख ली है दूसरे पापा के साथ। क्या यार, कभी तो सीरियस हो जाया कर भाई, पूरा टाइम मम्मी मम्मी के ऊपर जोक बनाता रहता है, पूरी ट्यूशन को लत लगा दी तूने। भाई ये सीरियस होने का ज्ञान ना मेरा आगे तो पेल मत, ठीक है ना? अब जिसके लिए सीरियस होना चाहिए ना उसके पीछे हूं मैं। अभी तो बेटे लाइफ में बहुत लंबी सीढ़ी चढ़नी है मुझे। भाई तू नहीं है सीरियस ब्रो, जिसके लिए होना चाहिए। यार एल्विश तुम बालकनी में आ सकते हो प्लीज? देख तेरी भाभी का मैसेज आ। ओ भाई मेरे को बालकनी में बुला रही है, इसका मतलब समझ रहा तू? अब सोच, अगर इसने मेरे से बात करनी होती तो यहाँ भी तो कर सकती, इसने बालकनी में क्या काम है? उसको कुछ काम होगा तभी बुला रही होगी ना भाई। यार तू कितना भोला है भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसे मेरे से चाहिए किसी। हवसी दिमाग, थोड़ा थोड़ा सेंसिबल दिमाग लगा लिया कर।
यार तू कितनी पीछे रह गया भाई, आजकल का मॉडर्न जमाना हो रखा है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आजकल के लोग तो ना बेरा एक एक दिन में क्या क्या कर दे मैं। ये तो फिर भी बेचारी किस्सियां मांग रही है, और तेरा भाई बुरा थोड़ी है, तेरा भाई भी तो अच्छा है, अगर इसे किस्सियां चाहिए तो तेरा भाई किस्सियां देगा। प्यार में इतना तो करना ही पड़ता है ना। दो 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 किस्सियां, आगे देखने क्या करें। पर अभी तो क्लास चल रही है, कैसे आ जाऊं? कोई बहाना मार के आ जाओ ना। अच्छा रुको मैं ट्राई करता हूं। सर वो मेरे को ना एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, अभी आता हूं 2 मिनट में। अरे तेरी कहां इम्पोर्टेंट कॉल आ गई? वो सर मेरी ना भैंस भी आई है आज, तो मेरे को पता करना है कि कचड़ा हुआ है कटिया। अरे यू तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर एक बात बताऊं, चले तो जा मुआ के बत्ती जरूर, कटिया हुई या कटरा? ऑब्वियसली सर। अरे कटरा हो तो लड्डू ले आइयो। मास्टर 2 लड्डू मैं भी ले रहा हूँ, खाओगा? बैठ जा नीचे, लात मार दूंगा उछड़ के। कर दू क्या? 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 तूने मेरे को क्या करने बुलाया यहाँ पे? मैंने तुझे बात करने के लिए बुलाया। तूने मुझे बात करने के लिए बुलाया? मुझे तो लगा मुझे कुछ लगा ही नहीं क्या बात करनी है? यार पता है तुझे, मैं घर से ना बहुत दिनों बाद बाहर गई थी। थैंक यू सो मच। यार इसमें थैंक यू बोलने की कोई बातचीत थोड़ी है, तू मेरी दोस्त है यार, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तेरे लिए ना। अच्छा वो सब ठीक है, मैं क्या सोच रही थी, मैं ना कल अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ और उसके बाद ना मैं 1 घंटे के लिए फ्री हूँ। मैं सोच रही थी हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलें, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना ट्यूशन बंक करना पड़ेगा। यार ये कोई बोलने की बात है, मैं ट्यूशन तो क्या तेरे लिए दुनियादारी छोड़ दूं, ट्यूशन बंक कर लूंगा। तुम मेरे पास लोकेशन भेज दियो, बंदा हाजिर हो जाएगा। सोच लो इससे तुम्हारी पढ़ाई पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। मैं कैसी बात कर रही है तू, फोन मार दियो सारी चीज सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है? ओके। आईपीएस टेस्ट क्लियर करने के लिए इंग्लिश आनी जरूरी है। ओए तेरे भाई ने स्पा के कूपन लिए हैं, आज ट्यूशन के बाद स्पा ही करवाया, फुल सर्विस, शाला बूम बूम भाई। अबे ट्यूशन के बाद क्यों, अभी चलेंगे ना। और मास्टर छुट्टी करते, पढ़ने का मन ना कर रहा मेरा। ओह तेरे कहने तो छुट्टी कर दे, अरे तुम तो पढ़ो ना हो, बाकी बालक तो पढ़े। ओ बालको एक बात बताओ, छुट्टी कर दूं? ढंग में रह कर मास्टर। अब अपने ढंग के बारे में तो कहा बताऊं बेटा चमेली के, तो अपनी मम्मी तक पूछ लियो, हाथ जोड़े की बात है, जा तू। मेरी मम्मी भी? हाँ बेटा तेरी मम्मी भी, तेरे ट्यूशन की फीस ना यही मारे 500 रुपया कम है। किसका बाबा गुजर गा? ओए क्या बात होगी? छुट्टी हो गई तो साढ़े तेज बोलना। बेटा छुट्टी हो गई ना, मेरा बैग कहाँ है, मोंगा लेगा लगे है। कहाँ बिजी चल रहा चीता? भाई यार स्नेहा को कॉल मिला रहा हूँ, बार बार नोटरी चबल जा रहा है उसका। तू फिर स्नेहा कर रहा भाई, आज ट्यूशन ही तो नहीं आई भाई, कल आ जाएगी यार, तू फालतू बन में क्यों टेंशन लेता है? अब अपने भाई की सुन, मैं नहीं आ रहा कल ट्यूशन पे। क्यों? तेरे भाई की है कल सुहाग रात। मतलब? अरे मतलब डेट पे जा रहा हूँ यार शालू के साथ, तू बता उसे कहाँ लेके जाऊँ? भाई मेरे को नहीं पता, जहाँ मर्जी ले जा। वैसे कहाँ सोचा कहाँ लेके जाएगा? भाई मैं तो सोच रहा हूँ उसे कुएं में लेके चला जाऊँ। मजाक कर रहा हूँ यार, मेरे साथ भाई मैं सोच रहा हूँ कि ना कोई ऐसे रेस्टोरेंट में लेके जाऊँ उसको, जहाँ पे यार यहाँ पे दो प्यारी बातें वो कहे, दो बातें मैं कहूँ, लाइव म्यूजिक हो, प्यार भरी वाइब्स हो। भाई समझ रहा क्या कह रहा हूँ, कोई ऐसी जगह तेरी नजर में? समझ तो रहा हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, ये जो तू कर रहा है ना, तुझे लग रहा है कि ये सही है और उसे भी लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है भाई। मैं देख यार ट्यूशन सर की बेटी है भाई, वो एज में भी तेज से बड़ी है, कोई मेल नहीं बनता तुम दोनों का। मैं कह रहा हूँ ये सब छोड़, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं, लाइफ सेट कर लेंगे भाई। ये धुआं कहाँ से आ रहा है यार? दिखाई दिखाई दिखाई। ओह अच्छा तेरी जल रही है क्या? भाई सुन मेरी बात, मैं ना अपना आप देख लूंगा उसे कहाँ लेके जाना, ठीक है? ओके बाय। देखो देखो This person's phone is switched off. Please try later. अबे ये कैसी जगह लेके आई है मेरे को तू यार? मैं तो सोच रहा था कहीं कैंडल लाइट डिनर पे चलते, लाइव म्यूजिक बज रहा होता, सेक्सी वाइब्स होती, और तू इस रेडी पे लेके आ गई मेरे को इस खटारा जगह पे। खटारा जगह कहाँ है यार, इतनी तो अच्छी जगह है, और तुझे पता है इसके मोमोज कितने अच्छे होते हैं और मेयोनीज, मजा आ जाता है। हाँ लग तो अच्छे ही रहे, पर यार तुझे नहीं लगता
कंफर्टेबल होके बैठते यार, वहां पे सीट वीट होती बढ़िया सी। तो भाई जी यहाँ भी तो है बैठने की जगह, यहाँ बैठ जाओ। अबे यहाँ बैठूंगा क्या मैं इस तख्त पे, हैं पागल। इतनी तो अच्छी जगह है ना, बैठ जाते हैं। हाँ वैसे बात तो तू सही कह रहा, बैठने की जगह तो तेरी बहुत बढ़िया है। हाँ, चलो बैठते हैं। अब बता तेरे को क्या बात करनी है। पहले मेरी बात सुन, देख मुझे पता है तू क्या बोल रहे हैं, पर ये मत सोचियो कि मैं क्या सोचूंगा, मुझे कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। जो भी तेरे दिल में बात है ना, सीधी मेरे को बोल दे, मैं पूरा रेडी होके आया हूँ। तुमको तो पता ही है मेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं। अरे पता है मेरे को यार तेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट के साथ साथ एक नंबर का हरामी का बच्चा भी है, पूरे ट्यूशन जानता है। तुम मेरी पूरी बात तो सुनो, अब जैसे हम मिल रहे हैं साथ घूम रहे हैं, अगर मेरे पापा को इस बारे में जरा सी भी भनक लगी ना तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे यार। अबे तुझे पता नहीं है का फूफा बदमाश है, तू टेंशन मत ले, तू एक बार हाथों भर यार, मैं तेरे का रिश्ता ले आऊंगा, तू हाथों भर। एल्विश कैसी बातें कर रहे हो तुम, तुझे मेरे से शादी नहीं करनी क्या? मतलब तुझे मेरे साथ लिव इन में रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यार के पास बहुत सारे फ्लैट है, पता कौन से में रहेगी, 1 BHK 2 BHK 3 BHK पेंट हाउस, बता तो सही। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? अबे हम लोग यहाँ फ्यूचर डिस्कस करने नहीं बैठे क्या अपना? भैया तमीज से क्या बोले जा रहे हो? और तू कौन है, हम यहाँ साढ़े अपनी पर्सनल बातचीत कर रहे हैं ना, तू अपने मोमोज बेच और गल्ला गिन, ठीक है चल। एल्विश मैं तुमको अपना अच्छा दोस्त समझती थी, तो मुझे लगा कि तुम मेरी हेल्प करोगे। एक मिनट, तू मेरे को अपना दोस्त समझती थी और क्या हेल्प चाहिए भाई तुझे मेरी? एक दो हफ्ते में मेरे पापा मेरा रिश्ता कहीं और फिक्स कर देंगे और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अबे तो मुझे पता तो है तू मेरे से प्यार करती है, और मैं हाथों भर रहा हूँ, भग लेना मेरे साथ, बता कहाँ भगेगी। नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तू मेरे से प्यार नहीं, अबे फिर किससे करती है? इससे। इससे? इससे ये मोमोज, अबे मोमोज वाले से कौन प्यार करता है? प्यार में ना ये सब ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता, सिर्फ दिल देखा जाता है। अबे दिल के साथ साथ इसकी रेडी भी तो देख लेती यार। अबे तू पागल वागल है क्या? अपने थोड़ा दिमाग से काम ले, पूरी जिंदगी तेरी लाल चटनी मियोनीज ये सब चीजें पैक करने में गुजर जाएगी, और तू एक बार मेरे पास आएगी ना तेरे को नोटों में तोल दूंगा, और बल्कि नोट ही भारी होएंगे एक साइड से। और ये किस चीज में तोलेगा तेरे को, है एक प्लेट मोमोज, दो प्लेट मोमोज, तीन प्लेट है, बता क्या है यार। मैं अपना पूरा मन बना चुकी हूँ, तुम बताओ मेरी भागने में हेल्प करोगे या नहीं? अच्छा तुझे मेरी हेल्प चाहिए, भागने में तो हेल्प बहुत दूर की बात है, मैं इस साले का तो रैपट भी मार दूंगा। ऐसे कैसे मार देगा, बताऊ कैसे मार दूंगा? एल्विश स्टे इन योर लिमिट्स ओके। दो घुट पिला दे साथिया, बाकी बाकी दो प्लेट मोमोज भी जोड़ दे। भाई मैं भी धोखा खा सकूंगा यार, मतलब गुड़गांव के राव साहब भी धोखा खा सकेगा यार। बात अजब नहीं हो रही। धोखा है धोखा, पर उसने तेरे को आज तक कभी बोला कि वो तेरे को पसंद करती है तो फिर कैसा धोखा भाई? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ यार कि वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है, लेकिन तू ही लगा हुआ उसके पीछे सपने सजाने में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ले कर ले अब, करके चली गई वो। भाई स्टिल यार, जब वो मेरे पीछे स्कूटी पे बैठी थी ना भाई, तो वो पकड़ के बैठी थी भाई, ऐसे पकड़ के बैठी थी भाई। तो थोड़ा पागल है क्या? मतलब वो तेरे पीछे पकड़ के बैठी तो उसको तेरे से प्यार हो गया? मतलब मैं तेरे पीछे पकड़ के बैठूंगा तो मुझे भी तुझसे प्यार हो जाएगा? प्यारी पीठ है क्या तेरी? तू तो साढ़े पीठ की जगह कुछ और पकड़ लेगा भाई। पर मेरी बात सुन यार, वो मेरे को छोड़ के 6'1" गाय को छोड़ के किसी मोमोज वाले के पास चली गई भाई। मोमोज वाले के पास कौन जाए करे यार, और वो तो साला मियोनीज भी ना देवे, और उसको उसकी मियोनीज पसंद आ गई यार। शिट भाई, शिट माय लाइफ इज शिट। और भाई तू कुछ भी कह, धोखा कह मत कह, मेरे लिए तो भाई धोखा ही है। लेकिन एक बात बताऊं तेरे को, उस दिन भाई जो तू बोल रहा था ना मेरे को कि जिससे तुम प्यार करते हो उसको किसी और के साथ देख लो तो बहुत बुरा फील होता है, भाई मेरे को भी हो गया यार। हाँ हो गया फील तुझे, और स्नेहा का क्या? स्नेहा का क्या? क्या स्नेहा का क्या? भाई इतने दिनों से मैं तेरे को यही तो बात बताना चाहता हूँ यार कि स्नेहा तेरे को पसंद करती है। एक मिनट, हेलो, स्नेहा मेरे को पसंद करती है, तू ये बोल रहा है? हाँ। तू पागल है क्या? उसने मेरे को कभी बताई?
तो तूने कभी उससे पूछा? वो तो बेचारी इस डर में थी ताकि तुम दोनों की दोस्ती ना खराब हो जाए, और तू उस शालू के पीछे लगा हुआ था, तेरे को पता उसको कितना हर्ट हुआ था? भाई तू कैसी बात कर रहा है यार, तू तो सारे गिल्टी सा फील करा रहा है मुझे। हाँ तो होना भी चाहिए गिल्टी फील, बिल्कुल सही हो रहा है। भाई तूने कभी आज तक मेरे से पूछा कि स्नेहा क्या कर रही है, कहाँ है, कैसी है, ट्यूशन क्यों नहीं आ रही, कुछ कभी पूछा? भाई तूने ही तो बताई कि उसकी तबीयत खराब है यार। अबे यार एल्विस, कभी तो दिमाग की जगह दिल से सोच लिया कर भाई, प्लीज। भाई फोन मिला उसको यार, मेरे को उससे मिलना है। This person's phone is switched off. Please try later. भाई इसके घर चल रहे हैं, आ जाओ। नहीं नहीं भाई, इस टाइम घर जाना बिल्कुल सही नहीं है, तू टेंशन मत ले। स्नेहा को लाने की गारंटी मेरी है और मैं सारी चीजें बैलेंस कर लूंगा, डोंट वरी ब्रो। पक्की बात है? पक्की भाई, 100%। चल चल चल, आ जा। दारू जरूरी है भाई, आज उससे अपने दिल की बात बता दूंगा भाई, वो पक्का आएगी ना यार आज। ए यार तू टेंशन क्यों ले रहा है भाई, उसने मेरे को बोला था कि वो आएगी, तो इट मींस वो गारंटीड आएगी ही आएगी, और मेरे हिसाब से तो आने ही वाली होगी, टाइम तो हो गया भाई। ओए ट्यूशन का टाइम हो गया, चलो भीतर। अरे सर जी आ रहे हैं ना अंदर, आप अंदर चलो। और वैसे भी आपके लिए जो इज्जत थी ना पहले, उस पर आपने मिट्टी पलीत दी, और जो पैसे दे रखे हैं ना उनका ब्याज ले लूंगा। ओ अब हमारी इज्जत खत्म होगी? हम किसकी माँ लेके भग गए, हमारी इज्जत ही खत्म होगी? आ जाओ बेटा बता दूंगा तुम्हें। पता नहीं कैसी छोरी पैदा कर रखी है, मोमोज वाले गैल कौन भगे कर रहे हैं यार। या बब्बी डीजे जस्ट इन द हाउस बिल्डर। आओ गन्ने अमेरिकी मसले दा हल नहीं, हाई कोर्ट तक पहुंचदी ना गल नहीं, भेड़ विच बैठ करी दिया फैसले, लड़ते ता हुंदे बांदरां दे दल नी, हाओ यूपी तो मंगाए असले नी चलने हैं। ओ गैंगलैंड जिथे ने बनाए फिरते बैली दे की उस लैंड विच कटने, गैंगलैंड जिथे ने बनाए फिरते बैली दे की उस लैंड विच कटने। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वाइस को लाइक कमेंट शेयर सब चीज करना। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या होगा, और सच बताना भाई तुम्हारे भाई ने कैड सस्पेंस में छोड़ा है या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, मैंने बता दिया क्या क्या करना है। पिछली बार भाई मैंने बोले थे 400,000 लाइक करने के, आप लोगों ने 600,000 लाइक कर दिए, बहुत ज्यादा होते मेरे लिए, थैंक यू सो मच उसके लिए। और भाई इस वीडियो में 500,000 लाइक मांग रहा हूँ, मुझे पता तुम कर दोगे, पर फिर भी 500,000 लाइक मांग रहा हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग बनाएंगे, तो जल्दी से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी अपना फेवरेट पार्ट कॉमेंट करके जरूर बताना कि भाई कौन सा लगा, और याद रखना भाई 500,000 लाइक जल्दी कर दो।